नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। एक सवाल हर टाइम सुनना पड़ता है हमारे पेशेंट के पास से कि डॉक्टर साहब, ठंडे सिकाई करें कि गर्म सिकाई करें। बचपन से हम देखते आए हुए कि हमारे दादी परदादी के टाइम से ही कि कोई भी चोट लगे, कुछ लगे, वहाँ पे कुछ गर्म का लेप लगाना, गर्म पानी डालना, कोई गर्म चीज़ से कपड़े में सेक करना, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह, गर्म तेल लगाना। आइए जानते हैं कि आज के दिन में साइंटिफिक एविडेंस क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए। ठंडे पानी की बर्फ लगाना चाहिए कि गर्म के सिकाई करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए। जहां पे चोट लगते हैं वहां पे तुरंत चोट लगने के वजह से कुछ इंजुरी होता है, इंजुरी के वजह से वहां पे खून बाहर आता है टिश्यू के अंदर और शरीर के अंदर प्रक्रिया चालू होता है जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो उस एरिया का टिश्यू के टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और उस बढ़ा हुआ टेम्परेचर में और भी अगर टेम्परेचर बाहर से देके गर्मी देके बढ़ा दे तो इन्फ्लेमेशन और भी बढ़ना शुरू करता है। इसीलिए कोई भी चोट, कोई भी इंजुरी जहाँ पे सूजन हुई हो ऐसे जगह पे, और ऐसे कोई जोड़ों का दर्द जो इन्फ्लेमेशन के वजह से हो रहा है, ऐसे स्थिति में अगर हम गर्म से सिकाई करें तो उस गर्मी के वजह से वहाँ का इन्फ्लेमेशन और बढ़ सकते हैं। देखा गया है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे अगर टेम्परेचर कम किया जाता है, ठंडक दिया जाता है, तो वो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू होता है। जैसे ही किसी का एड़ी का मोच आ गया, ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पे बर्फ का सिकाई किया जाता है तो जल्दी से सूजन कम हो जाता है, जल्दी से उसका पेन कम हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चोट लगे, कहीं पे कोई इन्फ्लामेशन के द्वारा पेन हो, जैसे आर्थराइटिस का पेन हो, ऐसे जोड़ों का पेन में गर्म सिकाई की जगह पे आप ठंडे पानी में तो बर्फ़ की सिकाई कीजिए। अच्छा, अभी ठंडे पानी व बर्फ लगाना है तो कैसे लगाना है, कब तक लगाना है, कितना देर तक लगाना है। कोई भी ठंडे बर्फ, जो बर्फ का टेम्परेचर होता है वो जीरो के आसपास टेम्परेचर होता है, ऐसा चीज़ के टेम्परेचर का डायरेक्ट अगर कॉन्टैक्ट पे लगा दे स्किन में, जैसे गर्मी की वजह से बर्न होता है ऐसे ठंडी में भी टिश्यू का बर्न हो सकता है, कोल्ड इंजुरी होता है। तो हमें जब आइस पैक्स लगाते हैं तब भी हमें ध्यान देना चाहिए कि सीधा सीधा बर्फ सीधा शरीर के ऊपर स्किन में ना लगे, एक हल्का कपड़े का एक लेयर बनाएं और उसके साथ शरीर के ऊपर रखें जहाँ पे चोट लगी उस जगह पे, और कोई एक जगह पे लगातार 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए एक बार में। और चोट लगने के पहले 2-3 दिन जो समय है उस समय में जितना ज़्यादा आप बर्फ़ की सिकाई करेंगे उतना ही अच्छा, मतलब हर घंटे में आप 10-15 मिनट करके सिकाई कीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब आते हैं गर्म की सिकाई कहाँ पे कर सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे पेन हैं जो मसल स्पाज़म के वजह से होता है, जैसे कि नेक पेन, लो बैक पेन, यहाँ पे मसल स्पाज़म होता है। मसल स्पाज़म में अगर ठंडक दिया जाए तो स्पाज़म और बढ़ जाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब ठंडा मौसम होता है उस टाइम अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो अचानक लो बैक पेन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडक से मसल स्पाज़म आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर बैक पेन हो, नेक पेन हो, ऐसे स्थिति में गर्म सिकाई कीजिए। और इस गर्म सिकाई में अगर मॉइस्ट हीट, मतलब सूखा नहीं, गीला गर्मी अगर लगे तो वो अच्छा काम करते हैं। उसमें जो हीट जाता है वो काफ़ी शरीर के अंदर तक पेनिट्रेट होता है, मसल तक पहुंचते हैं और उसमें फ़ायदा होता है। अभी गीला हीट बा मॉइस्ट हीट कैसे लगा सकते हैं? एक टॉवल को हल्का गर्म पानी में गीला करके निचोड़ ले और हॉट वाटर बैग के ऊपर उसको लपेट ले
और ऐसे सेक लगाएंगे तो वो जो सेक आएगा वो एक तरह का गीला गर्म सेक होगा। तो आपको पता चल ही गया है कि ठंडे बर्फ के सिकाई कहाँ पे करना है, मतलब जहाँ पे चोट लगी है, इंजरी हुआ है और कोई इन्फ्लामेशन की वजह से जोड़ों में दर्द है, तब ठंडे बर्फ के सिकाई करना है। और अगर मसल स्पज़म की वजह से पेन हो रहा है, जैसे लो बैक पेन और नेक पेन, तब आपको गर्म से सिकाई करना चाहिए। हम रखे आपका ख्याल।